मम्मा कोई है बाहर। बेटा जरा चेक करके आ जाओ, मैं बुक पढ़ रही हूँ। ओके मम्मा। कौन? आंटी जी है? क्या काम है? आंटी जी घर पे है? मम्मा बाहर एक गरीब बच्ची आई है। अच्छा, क्या कह रही है? पूछा नहीं आपने? वो आप ही को बुला रही है। ये भी कोई टाइम है क्या किसी के घर आने का? बोल बेटा, क्या बात है? आंटी जी बर्फ है। थैली तो है नहीं तेरे पास? आंटी थैली तो नहीं है मेरे पास। अच्छा तो ऊपर आ जा फिर। थैली तो लेके आई नहीं है, हाथ में बर्फ कैसे लेके जाएगी? आपने देखा उसके पैरों में चप्पल नहीं थी? अच्छा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। जाओ देखो वो आ गई क्या। आंटी जी ये पकड़। नहीं आंटी, मैं थैली नहीं ले जाऊंगी, मैं ऐसे ही ले जाऊंगी। पागल है क्या, बर्फ लेके इतनी दूर नहीं जा पाएगी। नहीं आंटी, हम हमारे घर में थैली नहीं लाते। क्यों, थैली क्यों नहीं लाते? हमारे घर के सामने एक गाय मरी थी, पता चला कि उसके पेट में बहुत सारी थैलियां थी। थैली खाने से गाय मर जाती है? ठीक है फिर मैं बर्तन में ही दे देती हूँ, बाद में आकर वापस कर जाऊंगा। मम्मा मेरे पास जो पुरानी चप्पलें हैं मैं उसे दे दूं क्या? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, जाओ निकाल के लेके आओ। ये चप्पल पहन के देख जरा, नीचे रखो। ठीक आ रही है बेटा? हाँ आंटी बहुत अच्छी है। गाय थैली खाने से कैसे मर जाती है? बेटा जब गाय बहुत भूखी होती है ना, तो वो गली में जो कुछ उन्हें मिलता है वही खा लेती है, और फिर जब वो बहुत सारी थैलियाँ खा लेती हैं तो वो उनके पेट में जाकर जहर बन जाता है, और अनफॉर्चुनेटली टाइम से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। सरकार न जाने कितनी बार थैलियों पर रोक लगा चुकी है, पर हम ही हैं जो नहीं मानते हैं, और हमारी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत जानवरों की मौत का कारण बनती है। थैली और प्लास्टिक से बनी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को और भी कई तरीके के नुकसान पहुंचाती हैं। मम्मा। हाँ बेटा। आज के बाद हम भी घर में थैली नहीं लाएंगे। हाँ बेटा नहीं लाएंगे। उस बच्ची की वजह से आज हमें कितनी बड़ी सीख मिली है।